तो हाय गाइस, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं अमेजिंग अनबॉक्स। और आज मेरे पास है एक बजट लैपटॉप, बजट नहीं, एक चिपेस्ट लैपटॉप कह सकता हूं। मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद मुझे एक लैपटॉप मिला जो कि है अविता की तरफ से, अविता प्यूरा E14 जो मॉडल का लैपटॉप है ये मुझे मिला। और इसका जो प्राइस है वो है 22,000। तो यही मुझे एक फुल्ली लैपटॉप मिला मार्केट में। ये जो लैपटॉप है एकदम फुल्ली लैपटॉप है, कोई भी कन्वर्टेबल कुछ नहीं है इसमें, जो नॉर्मल लैपटॉप रहता है सेम लैपटॉप है। तो ये रहा इसका जो बॉक्स है वो, और बाकी इसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से निकाला और इसके ऊपर मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड। ये जो है इसका एडाप्टर होगा, तो सीधा इसको निकालते हैं। पहले पैकिंग थोड़ा बहुत अच्छा दिया गया है, तो ये फोम मैंने हटा दिया। ये रहा हमारा लैपटॉप और ये रहा इसका चार्जर। चार्जर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इसका जो लैपटॉप है उसे निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप, ये है इसके साथ चार्जर, और मिलता है इसका एक यूज़र गाइड। बस इन द बॉक्स आपको इतना सब कुछ मिलेगा और कुछ नहीं है। और चार्जर जो हमें मिला है इसके बारे में बता दूं, मुझे इस पे कहीं पे भी जो अविता का जो ब्रांडिंग है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और बाकी कितने वर्ड का ये मैं देख लेता हूँ एक बार। तो इसका जो आउटपुट है वो है 24 वोल्ट 2 एम्पेयर का, इसका मतलब 24 वाट का चार्जर है ये। और बाकी अभी देखने का टाइम है इस लैपटॉप को। तो पहले जो है मैं बताऊंगा इस लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ प्रोज, इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और एंड में आपको बताऊंगा इसकी कुछ कॉन्स, क्या क्या दिक्कतें हैं इस लैपटॉप में। और बाकी इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके इसे खरीद लो। तो पहले इसकी कुछ लुक्स और डिज़ाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो लैपटॉप है ये आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट और थोड़ा बहुत स्लिम डिज़ाइन के साथ मिलता है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, और जो बॉडी है वो भी स्लिम है, और इसका जो लगभग वेट है वो 1.3 किलो का है, तो इतना हैवी भी नहीं है, बहुत ही लाइट लैपटॉप है। डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगा थोड़े बहुत ब्रेजल्स के साथ, एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, मतलब इस पर आपको कोई रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप विंडो के पास बैठ के इससे काम करते हो या फिर बाहर जाके काम करते हो तो इसमें आपको कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा 14 इंच का एक HD डिस्प्ले 1336x768। ये एक फुल HD डिस्प्ले नहीं है, एक HD डिस्प्ले इस बजट में आपको, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो कैसे होगा, ये HD डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है ये एक IPS पैनल के साथ आता है। व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपको व्यूइंग एंगल जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा साइड करके आप देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो आएगा इसमें। अगर मैं फ़ैन चला के ऐसे वीडियो बनाऊँ तो आप नॉइज़ जो है वो सुन सकते हैं, तो इसलिए मुझे फ़ैन जो है वो बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे ठंडा रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो साइड में लाइक का बटन है उसे दबाना है, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि जल्दी ही हमारे अमेजिंग अनबॉक्स की फैमिली है वो उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं पूरे होने वाले हैं। तो और कीबोर्ड की बात करूँ तो आपको इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक 14 इंच का लैपटॉप है तो इतना जगह जो है वो नहीं रहता फुल साइज़ कीबोर्ड देने में। तो आपको एक नॉर्मल जैसा कीबोर्ड रहता है विदाउट नाम पैड आपको मिल जाएगा, मतलब नाम पैड जो है वो आपको ऊपर की तरफ तो मिलेगा ही जरूर, साइड में जो एक्स्ट्रा नाम पैड वगैरह रहता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और कीबोर्ड की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो एवरेज क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत टैक्टाइल फीडबैक थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा टाइपिंग के दौरान। स्मूथ टाइपिंग है, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगा कीबोर्ड के साथ। और हाँ, कीबोर्ड में आपको कोई भी बैकलाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चिपेस्ट लैपटॉप है तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सही नहीं रहता। अभी इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लगा हुआ है वो है राइजन का A6 डुअल कोर प्रोसेसर। ये एक APU है, मतलब इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। प्रोसेसर है इसका जो बेस स्पीड है वो है 2.4 GHz का, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 2.8 GHz का। और अभी बात कर लेते हैं इसकी मेमोरीज के बारे में। तो आपको इसमें रैम देखने को मिलेगा 4GB का DDR4 रैम, और जो स्टोरेज है वो है 128GB का इसमें लगा हुआ है SSD। तो थोड़ा बहुत फास्ट प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगा डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करने में।
जा सातवीं फेल, चुप। प्रोसेसिंग के बाद छेड़ चुका है तो मैं इसकी जो पुट अप टाइम है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी बात कर लेते हैं इसकी जो पोर्ट्स हैं वो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक HDMI पोर्ट और एक USB 3.0 टाइप सी पोर्ट और दो आपको USB टाइप ए पोर्ट देखने को मिलेगा और एक हेडफोन जैक और एक पावर एडोप्टर कनेक्ट करने के लिए जैक आपको देखने को मिलेगा। इसमें कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ 4.2 और इसमें आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। जो कैमरा है वो एक VGA कैमरा है, सैंपल है, आप देख सकते हैं। कैमरा जो है वो आपका वीडियो कॉल में काम चल जाएगा, इसमें आपको उतना ज़्यादा क्लियरिटी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक VGA कैमरा है, तो काम जो आपका चल जाएगा इस कैमरे के साथ। और स्पीकर की बात करूँ तो इसमें आपको जो बॉटम फायर स्पीकर है वो देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ है स्पीकर इसकी, और जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा 0.8 वाट का, दो स्पीकर लगा हुआ है इसमें। और ये रहा इसका कुछ साउंड। और मेन चीज़ जो है वो पहले बताना था मुझे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, OS जो आता है वो आता है विंडोज 10 होम, इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, आपको कोई झंझट नहीं होगा इसमें, विंडोज एक्टिवेट वगैरह आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और MS की जो फाइल्स है वो आपको डालने पड़ेंगे उसमें, प्री इंस्टॉल कोई भी MS की फाइल्स जो है वो नहीं आते। और बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो आपको बैटरी बैकअप जो है लगभग इसमें 5 घंटे का देखने को मिल जाएगा अगर आप इसे सॉफ्ट यूज़ करते हो। चार्जिंग टाइम के बारे में बताऊं तो आपको लगभग इसे चार्ज करने में 2 से 3 घंटा लग जाएगा 0 to 100% चार्ज करने के लिए। इसके साथ जो चार्जर रहता है ये एक फास्ट चार्जर नहीं है, 25 वाट का चार्जर है। बाकी अभी मेन जो चीज़ है वो है इस लैपटॉप में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले बता दूँ, गेम के बारे में सोचना भी मत, एडिटिंग के बारे में भी सोचना मत, सोच सकते हो लेकिन काम जो आपका स्मूथ नहीं होगा क्योंकि जो प्रोसेसर है एक डुअल कोर प्रोसेसर है, मतलब सॉफ्ट यूज़ के लिए है। ये एक बिजनेस लैपटॉप है या फिर स्टूडेंट जिनको बस क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास करना है या फिर कुछ ब्राउज करना है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, मीडिया कंजम्पशन करना है, आप ऐसे काम कर सकते हो। और जो MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड ले लो, MS एक्सेल ले लो, पावर पॉइंट ले लो, ये सब कुछ आराम से चल जाएगा इस लैपटॉप में। मेरा जो काम है मुझे सिर्फ बिलिंग करना है अपने शॉप में, तो मैं ज़्यादा एक्सेल का यूज़ करता हूँ उसमें, तो स्मूथली मेरा काम जो है वो हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा है। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे पता है आने वाले हैं कि भैया हम इसमें कोडिंग वगैरह कर सकते हैं क्या। AMD जो डुअल कोर प्रोसेसर है वो आपका जो मतलब बेसिक जो काम है वो आसानी से निपटा सकता है, लेकिन अगर आपकी कोडिंग में, मैं कोडिंग करता नहीं हूँ तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है कोडिंग के बारे में, आपका जो कोडिंग में अगर ज़्यादा प्रोसेसर की जो पावर है वो ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो शायद ये थोड़ा बहुत लैग वगैरह कर सकता है क्योंकि उतना कैपेबल नहीं है, ये सॉफ्ट यूज़ के लिए है। और मीडिया वगैरह अगर आपको ट्रांसफर करना है HDD से, पेन ड्राइव से, लैपटॉप में, लैपटॉप से HDD पर, ये सब कुछ काम आप आसानी से कर सकते हो इसमें। और फोटोशॉप वगैरह भी नहीं चलेगा भाई, देख सकते हो 22,000 में आप फुल लैपटॉप आपको देखने को मिल रहा है। क्या ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा इसमें? ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा। अब इसकी कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो बॉडी है वो फुल प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ा सा जो क्वालिटी आपको चीप महसूस होगा में, और जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बहुत हल्का है। और अगर आप चाहते हो कि एक उंगली से आप इसका जो डिस्प्ले है उसे आप उठा सकते हो तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा
मतलब खींच खींच के उठाने की कोशिश करोगे तो ये शायद उड़ जाएगा एक दो बार में, लेकिन स्मूथली जो है डिस्प्ले वो ओपन नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो HDMI जो पोर्ट दिया गया है वो एक फुल साइज HDMI पोर्ट नहीं है, मिनी HDMI पोर्ट है। और बाकी आप इसकी जो डिस्प्ले है उसके जो नीचे का कॉर्नर का पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इसकी जो वायरिंग है वो विजिबल हो रहा है कॉन्स में। और एक चीज़ आता है, इसका जो हीटिंग है वो थोड़ा सा आपको महसूस होगा, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है उसमें कोई भी फैन वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है, कि नीचे की तरफ थोड़ा बहुत ग्रिलिंग जो है वो किया गया है, तो हीट जो है वो नीचे से थोड़ा सा आपको महसूस होगा। और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई फैन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, एक सिंगल मदरबोर्ड के ऊपर है। और इसका जो मेमोरी है 128 GB, उसे आप अपग्रेड कर सकते हो लगभग 256 GB तक। और इसका जो रैम है 4 GB का, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ये जो रैम है वो मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है, एकदम लगा हुआ है, तो इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और कुछ कॉन्स मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने ज्यादा ढूंढना भी नहीं, क्योंकि एक बजट लैपटॉप है, जो मेजर कॉन्स है वो मैंने आपको बता दिया, और इतने पैसे में इतना मिल रहा है वही काफी है। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो जाओ जाके खरीद लो इसे अगर आपको चाहिए तो। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाना।